गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमएसएस पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्लास में कराया गया था, जब यहाँ पे क्लासेस चल रही थी, उसी को हम जा रहे हैं हमें यहाँ पे रिवाइज करने। तो आइए हम देखते हैं टेंस के बारे में, पढ़ते हैं आज टेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं, जानते हैं कि टेंस होता क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि टेंस जिससे कि समय का बोध हो, टेंस मीन्स द टाइम विच रिप्रेजेंट दी, जिससे समय का बोध हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, ठीक है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। टेंस तीन तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट वन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर उसी तरह से हमारा ये होता है पास्ट टेंस को देखें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंपरफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम यहाँ जा रहे हैं आपको एक छोटा सा मतलब डिस्क्राइब करने पास्ट टेंस क्या है, सॉरी प्रेजेंट टेंस के बारे में, कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, इसमें कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो वर्तमान काल, ठीक है, और पास्ट टेंस हो गया हमारा भूतकाल, फ्यूचर टेंस हो गया भविष्य काल, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो कैसे हम पता करेंगे सेंटेंस जो हमारा गिवन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में द सेंटेंस विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाई ता है, ती है, ते है, इटिस है, उसको हम क्या समझते हैं, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। उसी तरह से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे, उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था कि सेंटेंस जब हमें पता चल जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसका जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म क्या होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस, वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस की। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाई रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे, उसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, टेंस को समझना। जो भी सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले पहचानेंगे कि ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। जब हम टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, उसके बाद से हम यहाँ पे हमें आसानी से पता है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म क्या आता है, फिर उसको हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ है जिसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसको हम पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अभी मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस को ही बताया कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे, उसे हम प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस समझते हैं। और इसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, वी फोर बोले तो वर्ब में आई एन जी, ठीक है। जैसे वह घर जा रहा है, ठीक है, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ एक ज्वेलरी वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। जैसे कि तुम पटना जा रहे हो, यू आर गोइंग टू पटना, तुम पटना जा रहे हो। तो यहां देखिए हिंदी सेंटेंस जो दिया हुआ है इसके अंत में क्या है, रहा है, ठीक है, मतलब कि हमने अभी पता कर लिया कि सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। इसका फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको हम इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसे कि यू आर गोइंग टू पटना, ठीक है। उसी तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहे, उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस समझते हैं। इसका फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे
कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल क्या होता है। जैसे राम आम खा चुका है, ठीक है। इस ये एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है, हिंदी सेंटेंस है, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि राम आम खा चुका है, ठीक है। सबसे पहले हमने सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस क्या है जिसको हमें ट्रांसलेट करना है, डेट इज राम आम खा चुका है, ठीक है। इस हिंदी क्रिया का अंत में क्या है, चुका है, मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसे हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वी थ्री प्लस एब्जेक्ट, ठीक है। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा, राम हैज ईटन ए मैंगो, ठीक है। ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अफर्मेटिव टू नेगेटिव की भी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव की भी बात करेंगे, एंड वी स्टडी अबाउट द टेंस इन डिटेल, ठीक है। जैसे क्लास में भी हमने किया था, यहाँ पे जस्ट रिवाइज कर रहा है, ठीक है, रिकॉल कर रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रहा है, रही है, रहे हैं, ईटीसी विथ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें समय का बोध हो। जैसे कि वह इस विद्यालय में 1920 से पढ़ा रहा है, वह सोमवार से कॉलेज आ रहा है, ठीक है, वह बचपन से बीमार है, वह बचपन से पढ़ने में तेज है, इस तरह का सेंटेंस अगर है। जैसे कि वह 4 बजे से पटना जा रहा है, ठीक है। सो दीज सेंटेंस आर दी एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहेगा, और टाइम फिक्स रहेगा। जैसे कि मैं इस विद्यालय में 1920 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो हमने बताया आपको कि कैसे पहचानेंगे कि वेदर सेंटेंस गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और नॉट, ठीक है। अब इसके बाद हमने टेंस तो पता कर लिया कि सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब इसको हमें कैसे ट्रांसलेट कर, ठीक है, आइए इसका फॉर्म आपको बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बी प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि मैं इस विद्यालय में 1920 से पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज और स्कूल सिंस 1920, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एंड इन डिटेल भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट टेंस क्या होता है, जो समय बीत गया हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस, ठीक है। एंड देयर आर ऑल्सो 4 kinds ऑफ पास्ट टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, एंड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, एंड लास्ट वन इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर वन बाई वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर पास्ट इंडेफिनिट। सो सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ भी सबसे पहला वही मैटर आता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाई आ ई ए ई टी सी रहे, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं, ठीक है। इसका फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वह आम खाया, उसने एक बाघ मारा, वह पटना गया। सो दीज हिंदी सेंटेंसेस आर दी एग्जांपल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। एंड इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी नेगेटिव सेंटेंस, वी आर जस्ट टॉकिंग हियर अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, नेक्स्ट टेंस क्या है हमारे पास, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो आइए हम बात करते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के। सेंटेंस जो है हमारा गिवन सेंटेंस है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है या नहीं। तो सेंटेंस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाई रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस समझते हैं, ठीक है।
जैसे कि वह आम खा रहा था, वह पटना जा रहा था, पत्थर पहाड़ से गिर रहा था, गंगा हिमालय से निकल रही थी। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, सेंटेंस हमें दिया हुआ है और उस सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस समझते हैं। और उसका फॉर्म क्या होगा, कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वी फोर बोले तो वर्ब में आई एन जी, जैसे पहले ही मैंने बताया था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, वैसे यहाँ भी है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि वह पटना जा रहा था, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, वो पटना जा रहा था, सेंटेंस किसमें है, पास्ट इन परफेक्ट टेंस में। ठीक है, सब इसका फॉर्म भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ही वाज गोइंग टू पटना। एंड लास्ट अभी हम जा रहे हैं इसके बारे में बात करने, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाई चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि रहे, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस समझते हैं, कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वह घर जा चुका था, वह आम खा चुका था, वह पटना जा चुका था, वह सो चुका था। सो दीज सेंटेंसेस आर द एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस तरह का अगर सेंटेंस आए जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थी इत्यादि आ जाए, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस समझते हैं। और उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह पटना जा चुका था, तो अभी हमने फॉर्म क्या बताया कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक है, तो यहाँ क्या कैसे होगा, ये ही हैड गॉन टू पटना। ठीक है, एंड लास्ट वन हमारे पास है क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें इस हिंदी क्रिया के पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाई रहा था, रही थी, रहे थे विद पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि वह इस विद्यालय में 1990 से पढ़ा रहा था, ठीक है, वह इस कॉलेज में 1920 से पढ़ा रहा था, या वह कल सोमवार को पटना जा रहा था। तो ये सारा जो भी एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी होंगे विद पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इसका कैसे क्या फॉर्म होगा, तो इसका भी फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जो स्टूडेंट नोट करना चाहें। वैसे ये चीज़ें ऑलरेडी क्लास में डिस्कस की गई हैं, ठीक है, और इसको इन डिटेल यहाँ भी बताया जाएगा, यहाँ तो अभी हम बस इसको रिवाइज कर रहे हैं, इन डिटेल भी इसको हम पढ़ेंगे।